हाँ तो क्या हाल है जनता, व्हाट्सअप। तो यार आज की वीडियो में आपको पता ही है मैं एवरी मंथ कोई ना कोई प्रोडक्ट रिव्यू करता ही हूँ। वैसे ही आपने मुझे इस बार इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ढेर सारे मैसेजेस किए थे और बोल रहे थे सेटाफिल के फेस वॉश के बारे में और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में कोई तो वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला भाई ठीक है, इस पर वीडियो बना लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में ना मैं उनकी क्वान्टिटी के बारे में, प्राइस के बारे में और क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट रिव्यू, कोई भी आप जो प्रोडक्ट बताएंगे मैं उस पर रिव्यू दूं, तो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, जाके फॉलो करो। वहाँ डीएम या मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपको और क्या वीडियो चाहिए। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अगर इसके पैकेजिंग की बात की जाए सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर की, तो पैकेजिंग आपको 125 ml की मिल रही है और ये प्लास्टिक बॉटल है। कौन कौन इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, आप सारे इसको यूज कर सकते हो। स्पेशली सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको प्रो वाइटमिन B5 भी मिल रहा है और उसके साथ एसेंशियल वाइटमिन B3 भी मिलता है। एक बार हम इसको यूज करके देखें। तो सबसे पहले तो ये बॉटल खुल जाती है, ऊपर से ये बॉटल खुल गई इसकी। अब हम थोड़ा सा अमाउंट अपने हैंड्स में ले लेते हैं और बड़ा कम लेंगे। देखो कितना क्रीमी फॉर्मूला का है। तो देखो अगर इसके टेक्सचर की बात करें ना, बहुत ही क्रीमी सा है, लाइट सा है और जेंटल सा है। एक बार ये अप्लाई करके देखते हैं। मैंने हाथ थोड़ा सा इधर ऐसे किया भाई, ये क्रीमी जो फॉर्मूला से बनाना है, देखो आपको पता लग रहा है। तो देखो जैसे मैं फेस वेट करके आ गया हूँ, अब बहुत इजली आपको जेंटली सर्कुलर मोशन पे मसाज करनी है इसके साथ। और जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ ना, एक चीज मुझे दूसरी, जब फेस वॉश यूज करता हूँ मुझे यार फील पता लगता है कि फेस पे मैं कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, एज अ फेस वॉश यूज कर रहा हूँ। बट इसको यूज करने के बाद ना भाई पता ही नहीं लग रहा कि मैं कोई फेस वॉश यूज कर रहा हूँ। बहुत ही लाइट सा है। आपके फेस पे कोई भी डर्ट होगी, इम्प्यूरिटीज होगी, ऑयल होगा, तो भाई उसको रिमूव करने में ये हेल्प करेगा। और अगर आपको पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, भाई उस पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और ना इसमें आपको पैराबेन मिल रहा है, ना आपको सल्फेट मिल रहा है और ना कोई एडिट कलर है इसके अंदर। और जब आप इसको यूज करोगे ना, मैंने 2-3 बार यूज किया ना इसको, जब मेरा फेस वॉश कर लेता हूँ ना मैं, उसके बाद मेरा फेस ड्राई सा नहीं लगता, क्योंकि बहुत से हम फेस वॉश यूज करते हैं हमारा फेस ड्राई सा लगता है, ये बिल्कुल नहीं। भाई मैं तो बोलता हूँ आप इसको ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सब इसको यूज कर सकते हैं। हमें फेस वॉश ऐसा चाहिए होता है जो हमारी स्किन को ना डीप क्लींस करे अच्छे से, तो यार ये डीप क्लींस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है ना, तो उसको सॉफ्ट और सपल करने में भी ये फेस वॉश हेल्प करेगा। और इसके साथ ना जैसे गर्ल्स काजल और मस्कारा यूज करते हैं, आप थोड़ा सा कॉटन पे लेके इस क्लींजर को अपना काजल मस्कारा ना रिमूव कर सकते हैं इजीली। और जैसे विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और जब हम फेस वॉश यूज करते हैं हमारी स्किन और ज्यादा ड्राई होने लगती है, तो जब आप ये विंटर्स में यूज करोगे या समर्स में भी यूज कर सकते हो, बट विंटर्स में यूज करोगे ना तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होने वाली। अब देखो 20-30 सेकंड्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, मैं जाता हूं एक बार वॉश करके आता हूं, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। तो देखो जैसे मैं फेस वॉश करके आ गया हूं, पैड ड्राई करके हम अपना फेस ड्राई कर लेंगे। सबसे पहले तो आराम से आपको पैड ड्राई करके फेस ड्राई करना है। और सच में यार इसका रिजल्ट तो यार मुझे तो बड़ा पसंद आया यार। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें ना भाई, स्किन तो सॉफ्ट हो गई है। और उसके बाद जैसे दूसरे फेस वॉश होते हैं हमारे फेस को ड्राई कर देते हैं, ये बिल्कुल ड्राई नहीं कर रहा। फेस में पूरा जैसे लग रहा है मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया हुआ, बट मैंने अभी मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं किया। अब हम मॉइस्चराइजर एक बार अप्लाई करके देखें। और मॉइस्चराइजर से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, मैंने ना इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर आप बाय करना चाहते हो ना ये क्लींजर फेस वॉश, तो आप जाके बाय कर सकते हो। अब जैसे आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, तो ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम हम अप्लाई करेंगे। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी ना ड्राई टू नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब सारे स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। इसमें ना कोई भी एडिड फ्रेग्रेंस मिल रही है आपको। और इसकी पैकेजिंग पे ना लिखा भी है कि आप फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो और बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो। एक बार अब हम अप्लाई करके देखें। तो देखो जैसे ये बॉटल पैक में आती है, यहां से ओपन होगी। अब हम थोड़ी सी लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, हल्की सी लेंगे, बस ये हमने क्रीम ले ली। अब हम अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें ना, बहुत ही सॉफ्ट है, लाइट है। अब एक बार हम फेस पर अप्लाई करते हैं। फेस पर अप्लाई करके पता लगेगा अच्छा कि ये कैसा चलता है। ठीक है, ये आराम से आपको पूरे फेस पर अप्लाई करनी है। और कितना अच्छा है ना, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, स्पेशली पैकेजिंग पे लिखा है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों को ना सब कुछ सूट नहीं होता, आराम से सोच के लगाने पड़ते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो आप ये वाला प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हो। और इसकी पैकेजिंग पे ना लिखा भी होता है डर्मोलॉजिस्ट रिकमेंडेड फॉर सेंसिटिव स्किन, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप भी यूज कर लेना। और इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स भी आ रहा होगा, आप उधर से भी बाय कर सकते हो। तो देखो जैसे मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया, ये बिल्कुल ना हैवी नहीं लग रहा, लाइट वेट है। और जैसे हम मॉइस्चराइजर कोई और अप्लाई करते हैं, चिपचिप होता है ना,
भाई इसमें चिपचिप नहीं हो रहा। तो देखो फेस पे ये रिजल्ट आया, आप बताओ अब कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताना। और इसके क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में बात करूँ ना, अगर आप फेस वॉश लेंगे ना, फेस वॉश लगभग मुझे लगता है 3 से 4 महीने तो बहुत इजीली निकाल ही देगा। अगर आप 2 टाइम भी यूज़ कर रहे हैं थोड़ी सी अमाउंट में लेना होता है। और अगर आप मॉइस्चराइज़र बोले ना भाई 6 से 7 मंथ्स तो निकाल ही देगा। अगर आप आराम से यूज़ करें, ज़्यादा तो यूज़ नहीं करना होता, कॉइन साइज़ लेना होता है, अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करना होता है। और 2 टाइम करना है, एक तो सुबह जब आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र करना है, और रात को सोने से पहले भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। आपका प्लान है कि आपको फेस वॉश स्विच करना है और फेस वॉश ऐसा लेना है जो आपकी स्किन को सूट करे, तो आप ये भी फेस वॉश को ट्राई दे सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा और स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स भी आ रहा होगा, वहां से भी बाय कर सकते हो और उसके साथ मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी ले सकते हो। तो ये तो आ गई सेटाफिल की वेबसाइट। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसके बारे में पूरा बताया हुआ है, जेंटल क्लींजर आपको कैसे यूज करना है और इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप ये रीड कर सकते हो। तो देखो वेबसाइट पे ना आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में भी पढ़ सकते हैं और सब कुछ बताया हुआ है इसके बारे में। तो एंड में तो यही बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट परचेस करना तो आप ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो अच्छे रिजल्ट के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अपनी फैमिली में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके साथ बेल आइकन भी जरूर दबा देना। और एक और चीज, जिन्होंने अभी तक मेरा व्लॉगिंग का चैनल नहीं देखा ना, डीएस बॉस को व्लॉग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि मैं ढेर सारे ब्लॉग्स अपलोड करता हूं अपने ब्लॉगिंग चैनल पर। और स्क्रीन पे इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, जाके फॉलो करो, वहां डीएम या मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपको और क्या वीडियोस चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले में, जय हिंद जय भारत, बाय।